नमस्कार, माय नेम इज पटेल परम। अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सबसे पहले आप सूरज की तरह तपना सीखो। हम सब जानते हैं कि डॉक्टर कलाम एक महान वैज्ञानिक और एक उदार राजनेता थे, जिन्होंने 2002 से लेकर 2007 तक राष्ट्रपति के रूप में भारत की सेवा की। डॉक्टर कलाम 15 अक्टूबर 1931 को एक मुस्लिम परिवार में पैदा हुए थे। डॉक्टर कलाम एक तेज और आज्ञाकारी बालक थे, जिन्होंने आजीवन अर्जित करने में अपने परिवार की मदद की थी। उनका जन्म भारत के दक्षिण तट स्थित धनुषकोटी में हुआ था। एक बच्चे के रूप में जब डॉक्टर कलाम ने आकाश में पक्षियों को उड़ते हुए देखा, तब उनके मन में एक हवाई यात्रा के प्रति आकर्षण पैदा हुआ। कलाम बहुत ही होनहार छात्र थे, उन्हें विज्ञान और गणित में अधिक रुचि थी। स्कूल खत्म होने के बाद डॉक्टर कलाम सेट जॉनसेट कॉलेज गए और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में डिग्री अर्जित करने के लिए उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में दाखिला लिया। भारत की परमाणु क्षमता के विकास में वे प्रमुख व्यक्तियों में से एक थे। अपने योगदान के लिए कई पुरस्कार और सम्मान अर्जित किए। 1998 में विभिन्न परिणामों के लिए मिसाइल मैन का खिताब दिया गया था डॉक्टर कलाम। वही 1998 में शलोगीय किए पोखरण 2 में एक प्रमुख व्यक्ति थे। डॉक्टर कलाम एक अध्यापक, प्रशिक्षक, वैज्ञानिक और एक राष्ट्रपति की भूमिका निभाते रहे। 27 जुलाई 2015 को हार्ट अटैक के कारण उनकी मृत्यु हो गई। डॉक्टर कलाम सभी के लिए आदर्श रहे और प्रत्येक व्यक्ति उनकी इन योगदान और साथी के लिए उनका सम्मान करते रहे। आप अपना भविष्य तो नहीं बदल सकते, पर आप अपनी आदत तो बदल सकते। अपनी बदली हुई आदत ही अपना भविष्य बदल देगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।